नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे दोबारा स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ स्टॉक ज़रूर लेके आता हूं। जैसे कि कल के लिए मैंने कुछ स्टॉक चूज़ किया हूं कल के लिए, जहां पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि इंडसइंड बैंक हुआ, BPCL हुआ, बंधन बैंक हुआ, जिंदल स्टील हुआ। तो देखते हैं कि इन स्टॉक पे कल क्या मूवमेंट हो सकता है, और आपको थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ निवेदन करूंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। जो भी लेवल्स आपको दूंगा, उन हर एक लेवल्स पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, हर एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ फ्रेंड। बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करते हैं, जहाँ पे उनको एक अच्छा मोमेंट देखने को नहीं मिलता। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिर तक ज़रूर आप देखते रहिएगा। और अगर आप मेरे पेड सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आइए। व्हाट्सअप नंबर है, और टेलीग्राम चैनल का, अगर मेरा ग्रुप का लिंक अगर आप जानना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैंने दे दिया हूँ। काइंडली उस लिंक पे डायरेक्टली जाके ज्वाइन हो सकते हो, और ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे पेड सर्विस में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेवल्स देता हूँ, और पेड सर्विस में आपको लेवल के साथ ट्रेड आपको मिलेगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और कोशिश करूंगा हर एक स्टॉक का लेवल बताने के लिए। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तुरंत मैं आप सभी के लिए ऑनलाइन रहता हूं, और मैं आपको ज़रूर कमेंट का जवाब आपको मैं ज़रूर दूंगा। और जो भी डाउट होगा वो मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि बहुत लेवल फाइंड आउट करता हूँ, लेवल निकालता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को एडिट करके आप सभी के लिए मैं पोस्ट करता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत लगता है, तो मैं इतना भी नहीं बोलूँगा कि बहुत मेहनत लगा है। आप सभी के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आपके तरफ के आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन के साथ साथ एक शेयर का बटन दबा के ज़रूर हेल्प कीजिएगा। और जो भी लेवल्स आपको मैं देने वाला हूँ, उन लेवल्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जो भी लेवल आपको देने जा रहा हूँ, हर एक सपोर्ट, हर एक रेसिस्टेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स देने वाला हूँ, अगर वो लेवल पे मार्केट आपको अब मिलता है, बाय और सेल कर सकते हो। और हम देखेंगे कौन से लेवल पे बाय करेंगे, कौन से लेवल पे सेल करेंगे, और हर एक लेवल के पीछे क्या लॉजिक होगा, वो सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ, कि बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक आपका रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का पहला लेवल्स में आपको प्रोवाइड करने से पहले मैं कुछ बात आपको बता देता हूं। आप सभी को आपने देखा होगा, जो भी मैंने लेवल्स आपको दिए थे, मार्केट ने एग्जैक्टली लेवल्स को फॉलो करते हुए मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट ज़रूर किया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले दिन कुछ लेवल्स भी दिए थे, आपने देखा होगा मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। चलिए हम देखते हैं कल के लिए इस स्टॉक में क्या मोमेंटम हो सकता है। और कल के लिए मैं इस स्टॉक पे आपको डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ कि कल यहाँ पे थोड़ा करेक्शन नीचे के लिए आ सकता है। ये मेरा व्यू है मार्केट में, तो कल के लिए यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो देखेंगे कहाँ से ये करेक्शन आ सकता है, और कहाँ पर मार्केट ओपन कर सकता है, कहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, और वहाँ से कहाँ तक नीचे आ सकता है, वो सारा चीज़ अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सपोर्ट क्या रहेगा, और कौन से लेवल पे बाय कर सकते हैं, और कौन से लेवल पे सेल कर सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस जो है कल सेलिंग का चांसेस आपको मिलेगा। और मार्केट का वीकनेस कल दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सेलिंग करने के लिए थोड़ा रेडी रह सकते हैं। अगर छोटा प्रॉफिट के लिए अगर आप बाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। चलिए पहले सपोर्ट हम देखते हैं। सपोर्ट आपका रहेगा 642 का। जी हाँ, 642 का सपोर्ट रहेगा। 642 अगर ब्रेक करता है, तब जाके 595 का लेवल जो है वो दोबारा रीटेस्ट होने की संभावना है, मुझे मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो आप वेट कीजिए, अगर मार्केट आपको यहाँ पे 642 पे आ जाता है तुरंत, अगर होल्ड करता है तो बाय कर सकते हो। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको वहाँ से सेल नहीं करना है। अगर उसको ब्रेक करेगा तब जाकर आपको सेल करना है। और रेसिस्टेंस क्या रहेगा, रेसिस्टेंस मैं कल के लिए देना चाहता हूँ 689 का। जी हाँ, 689 का रेसिस्टेंस रहेगा। अगर 689 मार्केट ब्रेक, अगर इसको इसके ऊपर सस्टेन करता है,
तो 707 707 का एक टारगेट ऊपर के लिए हो सकता है, 707 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो ये दो रेसिस्टेंस देखिए, इसके आसपास अगर मार्केट के ही ओपन होता हुआ देखने को मिला और जैसे ओपन होकर अगर एक रेड मारुवुजु कैंडल आपको बनाते देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से आपको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, करीबन 642 और 595 के आसपास का एक टारगेट आपको देखने को मार्केट में ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान रहिए, ये दो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ज़रूर मार्केट में आप ज़रूर वेट कीजिए। और ये मूवमेंट आपको अगर मार्केट में मिल रहा है, ये लेवल्स अगर मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली मार्केट को सेल करके वहाँ से एक प्रॉफिट आप नीचे ज़रूर बुक कर सकते हो। मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। जो भी सपोर्ट है रेसिस्टेंस मैंने आपको दे दिया हूँ, ज़रूर रेसिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हो। चलिए और एक स्टॉक देखते हैं, और एक स्टॉक क्या होगा, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL पे आपको ट्रेड देना चाहता हूँ कल के लिए। BPCL में हो सकता है कल एक यहाँ पे मार्केट आइदर लेवल को ब्रेक करने के लिए आइदर गैप अप आइदर गैप डाउन जो भी है वो करना चाहिए मार्केट को। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक गैप अप की संभावना है मुझे देखने को मिल रहा है मार्केट में। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गैप अप करे मार्केट, जैसे कि 418 का मैंने कुछ लेवल्स आपको पहले भी दिया, 418 और 19 के लेवल। इस लेवल के ऊपर मार्केट जब तक ओपन नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे कुछ संभावनाएं देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी लेवल्स है वो लेवल को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिलते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, ज़रूर याद रखिएगा। और देखते हैं कल का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या रहेगा, वो जानकारी अभी हमको दे देता हूँ। सॉरी, सपोर्ट रहेगा BPCL का 413 का। जी हाँ, 413 का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेम रेगुलर जो आपको देखने को मिल रहा था 409 के आसपास एक लो लगाएगा, वहाँ से दोबारा ऊपर आएगा। तो ये एक साइडवेज ट्रेंड पे ही मार्केट रहेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आइदर गैप अप आइदर गैप डाउन जो भी है मार्केट को यहाँ पे एक चुनौती आपको लेना पड़ेगा। अगर गैप अप करता है 418 के ऊपर, अगर ओपन होता है सस्टेन करता है उसके ऊपर मार्केट, तो मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अगर सपोर्ट देना चाहूँ 413 अगर ब्रेक करेगा 409 के आसपास आ सकता है। अगर 409 जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको 397 हो या 391 का जो लेवल है वो लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा जब तक 409 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक। ओके, रेसिस्टेंस क्या रहेगा, रेसिस्टेंस 418 का रेसिस्टेंस रहेगा। 418 के ऊपर जैसे ही जाएगा 426 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, 426 के ऊपर 434। जी क्या क्या मैंने जो भी मैं सपोर्ट दिया हूँ, देखिए सपोर्ट आपका है 413। अगर 413 के आसपास भी आता है, अगर देखिए वहाँ से बाई कर सकते हो 418 तक, तो 418 अगर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो। 426 के टारगेट के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सपोर्ट पे बाय। अगर आपको देखने को मिल रहा है अगर 418 के आसपास खुलता है और तुरंत नीचे गिरने लगे तो सेल कर सकते हो, 413 के आसपास आपको बुक करने का मौका मिले या 409 के आसपास आपको बुक करने का मौका मिले। जब तक 418 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक 434 के आसपास का लेवल आपको हिट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, जब तक 418 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको आगे का टारगेट नहीं मिलेगा। चलिए और एक स्टॉक देखते हैं, और एक स्टॉक पे क्या मूवमेंट हो सकता है। और एक स्टॉक आपका रहेगा बंधन बैंक। बंधन बैंक पे कंटिन्यूसली मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक अच्छा प्रॉफिट आपको बुक करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे एक चुनौती है, अगर मार्केट यहाँ पे 229 के लेवल को अगर हीट करता है तो मार्केट में 348 के लेवल को दोबारा हीट करने की एक अपॉर्चुनिटी मार्केट को मिलेगा। तो 348-350 के लेवल हमें दोबारा देखने को मिल सकता है आपको बंधन बैंक पे। तो हमें सिर्फ देखना है कि 329 का लेवल अगर हीट करता है मार्केट तब आपको यहाँ पे दोबारा 348 और 350 के लेवल दोबारा रीटेस्ट करने के जो चांसेस है वो मार्केट में आपको दिखाई देंगे।
ओके चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इसके सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे जो भी है। बीबी बंधन बैंक का सपोर्ट रहेगा 320, जहाँ पे ये क्लोजिंग किया है यही उसका सपोर्ट है। अगर 320 का जो लेवल है वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको सेम एज यूजल 313 जो परसों का जो डे लो है, परसों का जो डे लो को रीटेस्ट करेगा, जैसे कि फ्राइडे का जो डे लो है उस डे लो को दोबारा ये रीटेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो डे लो जो है 313 उसको दोबारा रीटेस्ट कर सकता है अगर 320 के नीचे सस्टेन करता है तो। अगर थोड़ा नीचे ओपन होके 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका रेसिस्टेंस लेवल जो है मैं आपको दे देता हूँ। 320 का सपोर्ट है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 329 का पहला टारगेट रहेगा और 348 का दूसरा टारगेट। जो भी रेसिस्टेंस है वो आपको टारगेट बन जाएंगे अगर सपोर्ट पे आपको मार्केट मिलता है तो। तो रेसिस्टेंस मैं आपको अभी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। रेसिस्टेंस लेवल जो है आपका 329, अगर 329 ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो डायरेक्टली 348 का जो टारगेट है वो 348 का टारगेट मार्केट यहाँ पे हिट कर सकता है। तो सपोर्ट है, सपोर्ट आपको मैंने दे दिया 320 का सपोर्ट है और 329 का रेसिस्टेंस। ये दो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों को ज़रूर याद रखिएगा, इस बेस पे ही आपको मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे मार्केट में ट्रेड लीजिए और एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में ज़रूर कमाइए, यही मेरा आपसे निवेदन है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस तो दे दिया हूँ, मार्केट का व्यू भी बता दिया हूँ। थोड़ा अप मूवमेंट के लिए मार्केट कोशिश करेगा, जब तक 329 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एक बड़ा तेज़ी उम्मीद नहीं कर सकते। और एक स्टॉक देखते हैं, फाइनल स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पे देखते हैं। सॉरी ठीक, जिंदल पे क्या हो सकता है कल? जिंदल पे मैं अगर कोई व्यू देना चाहूँगा, व्यू तो देना नहीं चाहूँगा क्योंकि जो यहाँ पे एक कैंडल जो है थोड़ा ख़राब बना है, फिर भी देखते हैं इस कैंडल पे मार्केट कितना टिकता है। इस ऐसे कैंडल का जो है अगर डे लो के ऊपर डिपेंड करता है, डे लो अगर ब्रेक करेगा तब जाके हमें नीचे का एक टारगेट जो मैं आपको कंटिन्यूसली दे रहा हूँ वो टारगेट अचीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले हम लोग जिंदल का टारगेट सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट के आसपास हम लोग रेसिस्टेंस भी फॉलो करेंगे कि जिंदल का सपोर्ट क्या रहेगा और रेसिस्टेंस क्या रहेगा, वो दोनों चीज़ हम लोग अभी फॉलो करेंगे। ओके जिंदल का सपोर्ट रहेगा 213, जी हाँ पहले भी दिया हुआ 213 है और अभी भी मैं देना चाहता हूँ 213 का। जिंदल का सपोर्ट है 213, अगर जिंदल 213 पे आता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए कि आपको यहाँ पे अगर एक ब्रेक करता है लेवल तब आपको यहाँ पे एक सेल का पोजीशन क्रिएट करके 208 का टारगेट रहेगा, 208 के आसपास आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। जी दोबारा जिंदल का सपोर्ट मैं रिमाइंड कर देता हूँ, 213 का सपोर्ट है, 213 के नीचे टारगेट आपका रहेगा 208। ये सपोर्ट और रेसिस्ट, सपोर्ट और टारगेट दोनों ज़रूर याद रखिएगा, उसी बेस पे आपको ट्रेड लेना है। और साथ ही साथ आपका रेसिस्टेंस क्या रहेगा, रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस लेवल आपका रहेगा जिंदल का 220 का रेसिस्टेंस रहेगा। 220 के रेसिस्टेंस पे अगर 220 को क्रॉस कर देता है मार्केट तो 227 का जो टारगेट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है मार्केट में, 227 का जो एक टारगेट है उस 227 के टारगेट को जिंदल जरूर हिट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट जो है आपका 213 है और रेसिस्टेंस जो है 220 का है, तो ये दो चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ पे भी मार्केट आता है आपको एक शानदार ट्रेड लेने के लिए मौका ज़रूर मिलेगा। 213 में अगर होल्ड करता है तो आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है मार्केट में, बाइंग का पोजीशन आप ले सकते हो। अगर 208 के नीचे सस्टेन करता है तो 213 के नीचे सस्टेन करता है तो 208 के आसपास एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो 227 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 220 के नीचे सस्टेन करते हैं तो 213 तक का एक टारगेट जो है वो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिंदल स्टील एंड पावर में। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है मैंने आपको दे दिया हूँ फ्रेंड, काइंडली सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे ही मार्केट में ट्रेड लीजिए।
बगैर सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई भी ट्रेड आप मत लीजिए, हो सकता है एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो हो सकता है आप सभी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ डाउट रहेगा, उस डाउट क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट के माध्यम से हो या फिर जो भी है, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हूँ, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो ध्यान रहिए, जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस दे दिया हूँ उसी बेस पे जरूर ट्रेड लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।